Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna. अगर फ्रेंड्स आपके पास है इन्फिनिक्स का हॉट 12 और आपको इस फोन में करना है रिंगटोन सेटिंग, तो किस तरह से रिंगटोन सेटिंग को आप कर सकते हैं ये आपको कंप्लीट इस वीडियो में पता चलने वाला है। रिंगटोन की क्या क्या सेटिंग देखने को मिलती है, कैसी फाइल से आपको रिंगटोन लगा सकते हैं, ये सब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगता है तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इस फोन की जो सेटिंग रहेगी फ्रेंड्स इसको ओपन कीजिए, यहाँ से हल्का सा स्क्रॉल करके जब नीचे की साइड आएंगे तो आपको साउंड एंड वाइब्रेशन देखने को मिल जाएगा। इस पर सिंपली क्लिक कर देना है, फ्रेंड्स आपको कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं जो कि रिंगटोन की आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मीडिया वॉल्यूम कितना रखना है उसको सेट कर सकते हैं, कॉल वॉल्यूम है, इसी के साथ अलार्म, रिंगटोन और नोटिफिकेशन, कौन सा वॉल्यूम फ्रेंड्स कितना रखना चाहते हो आप यहाँ आके सेट कर पाएंगे। स्क्रॉल करके जब नीचे की साइड जाते हैं तो सिम बन के रिंगटोन आप यहाँ से चेंज कर पाएंगे, तो इसके लिए इस पर क्लिक कीजिए। सिम बन के रिंगटोन चेंज करना है तो जिसके बाद आपको यहाँ कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। जो फोन की रिंगटोन देखने को मिलेगी वो आपको सब देखने को मिल जाती है, तो यहाँ से कौन सी रिंगटोन आप लगाना चाहते हो एक एक करके प्ले करके देख सकते हैं और उसको सेट कर सकते हैं। अगर ये फाइल से सेट आप करना चाहते हो तो यहाँ से स्क्रॉल कीजिए, सबसे लास्ट में आएगी तो ऐड रिंगटोन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद आप आ जाते हैं फाइल में। अब फाइल में आने के बाद आपको 3 लाइन देखने को मिलेंगे ऊपर, इन पर क्लिक करना है और फाइल में चले जाना है। अगर फाइल में डाउनलोड है तो फाइल में जाना है, अगर मेमोरी कार्ड पड़ा हुआ है तो आपको मेमोरी कार्ड पर क्लिक करना है। जिसके बाद यहाँ कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब क्या करना है, उस फोल्डर में फ्रेंड्स आपको जाना है जिसमें आपने वो डाउनलोड करके रखी है या फिर डलवा के रखी है, उस फोल्डर को सिंपली इस तरह से ओपन कर लीजिए, तो यहाँ पे वो रिंगटोन आपको देखने को मिल जाएगी। सिंपली करना क्या है, कुछ इस तरह से उस पर क्लिक कर देना है और वापस चले जाना है, तो आपकी जो रिंगटोन रहेगी वो लिस्ट यहाँ पे देखने को मिलती है, यहाँ पर वो ऐड हो जाएगी। सिंपली इस तरह से उस पर क्लिक कर दीजिए और वापस आ जाएगी, तो ये रिंगटोन आपकी चेंज हो चुकी है। सेम इसी तरह से सिम 2 की भी रिंगटोन को आप चेंज कर पाएंगे। नोटिफिकेशन साउंड चेंज करना तो वो भी ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन साउंड को ही बदल सकते हैं, अलार्म को टोन को ही बदल सकते हैं। इसके बाद आपको इंक्रीजिंग इनकमिंग कॉल्स का एक फीचर देखने को मिल जाएगा जो कि कुछ इस तरह से आपको डिसेबल देखने को मिलेगा, इसको इनेबल कर लीजिए, ये काफी अच्छे से आपके काम आएगा। जब आप इनेबल रहेगा तो आपके फोन पर कोई भी कॉल्स वगैरह आती तो आपके फोन की जो रिंगटोन आएगी पहले वो हल्की बोलेगी उसके बाद वो लाउड होती जाएगी, तो इस तरह से इस फीचर को आप यूज कर सकते हैं। नीचे के साइड आपको अदर साउंड की सेटिंग करने का ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे कि डायल पेड होते समय आपको जो रिंग आती है उसको बंद करना तो क्लिक करके बंद कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बंद कर रखा है। यहाँ पे देखने को मिलेगा स्क्रीन लॉक, अगर स्क्रीन लॉक करते हैं आवाज आती है उसको भी बंद कर सकते हैं। चार्जिंग एनिमेशन है, टच साउंड चालू करना है तो उसको भी आप चालू कर सकेंगे।